आनंद पाल जी के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो आपके दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पहले ही बता दिया था कि ये एनकाउंटर फर्जी है और इसमें काफी नेताओं और प्रशासन का भी हाथ मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, ऐतिहासिक फैसला जो आनंद पाल जी के फर्जी एनकाउंटर का आया, वो हम सबके लिए बहुत ही खुशी का पल था। लेकिन आप लोगों को पता है कि इस जो संघर्ष के पीछे की जो कड़ी है, जो अनदेखी है, आज के जो टाइम है 2-3 साल से, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कड़ी थी 2017 की, सबसे पहले आपके दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी इस एनकाउंटर में वहां पहुंचे और आनंद पाल जी की बॉडी को लेकर के वहां पर बैठे। धीरे धीरे करके वहां पर सब लोग जुड़े और सर्व समाज के भाइयों ने इस धरने प्रदर्शन को सफल बनाया। सबका सहयोग रहा इसमें, काफी लोगों को इसमें जेल भी हुई और सीबीआई के 21 मुकदमे जो आपके दादा पर आज तक भी थे, जिसमें कि 2-3 लोग तो अब हैं भी नहीं, लेकिन इन लोगों ने 21 मुकदमे सीबीआई के आज तक इनके नाम हैं। आज वो कहीं ना कहीं ऊपर बैठ करके ये तो जरूर देख रहे हैं कि उनकी उनका जो परिश्रम था, उनकी जो मेहनत थी, वो कल रंग लाई। वो लोग बार बार ये कह रहे थे कि ये फर्जी एनकाउंटर है, ये फर्जी एनकाउंटर है। आप अपने दादा का एक वीडियो निकाल करके देखिए, उन्होंने जो ये पूरी कहानी है जो मीडिया आज बता रही है, वो उन्होंने 2017 में बता दी थी। आप निकाल करके देखिए उनके वीडियो, आपको पता चलेगा आनंद पाल जी के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो आपके दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पहले ही बता दिया था कि ये एनकाउंटर फर्जी है और इसमें काफी नेताओं और प्रशासन का भी हाथ मिलेगा। तो वो आज हम सबके सामने आया है, तो ये आपके दादा की आत्मा को शांति मिलेगी और जितने भी सर्व समाज के भाई उनके साथ जुड़े, इस आंदोलन को सफल बनाया, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आनंद पाल जी के परिवार को आज न्याय मिला, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई।